हापुड़। योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। बजट में दिव्यांगजन के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है तथा पिछड़ा वर्ग के जिन बच्चों को पहले स्कॉलरशिप मिलने से रह गई थी, इस बार सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 100% पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिले। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। वह हर विभाग में दिन प्रतिनिधि उन्नति हो, इस दिशा में प्रयास कर रही है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास को नए आयाम मिले हैं। कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है, अपराध नियंत्रण हुआ है और जो हमारी सरकार का संकल्प था करप्शन और क्राइम पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का, वो पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुई है। प्रदेश की जनता का मनोभाव ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में 2024 में हो सकता है कि 80 में से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मन खिले, यानी हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाली है। उपचुनाव में भाजपा की पदाधिकारी हो जाएगी, इसमें क्या अति उत्साह, क्योंकि मैं उस चुनाव में इकट्ठा रहा घोसी के अंदर। हम लोगों को उम्मीद थी कि हम भारी मतों से उस सीट को जीतेंगे, चूँकि आजमगढ़ में, रामपुर में, सवार टंडा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी उसके लोग कहीं ना कहीं कमियां रही हैं।